बच्चों का गुस्सा शांत कैसे करें, इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफी बच्चे जो है उनको चिल्लाने की आदत रहती है, बहुत चिल्लाते हैं, जोर से कुछ भी चाहिए तो चिल्लाएंगे, चीखेंगे, या उनके मन जैसा नहीं किया तो चिल्लाएंगे, चीखेंगे। फिर माँ बाप का कहना रहता है कि सुनते नहीं है, वो चिल्लाता है, गुस्सा करता है, कुछ भी चीज़ फेंक देता है या कि फिर मारता है। तो ये कब करता है बच्चा, कि उसको जब चाहिए वो नहीं दिया तो ऐसा करता है, या उसको भूख लगी है तो एकदम छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको समझता नहीं कि अपने को भूख लगी है, फिर उस समय वो चिड़चिड़ापन करते हैं, गुस्सा करेंगे, या उनको कुछ करना है और वो करने नहीं दिया तो फिर वो गुस्सा करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि बच्चों को आदत रहती है कि अपने तरफ अटेंशन लेना सबका, और उनको पहले से ऐसा मालूम है, पहले से मालूम है उनको कि भाई अपने चिल्लाए चिखा कि भाई वो चिल्लाना चिखना नहीं होना करके माँ बाप वो दे देते, चलो ले लो भाई, चिल्लाओ मत, रोना नहीं, चल ले लो। तो वो उनको आदत से बन गई है कि बिना चिल्लाए कुछ मिलता ही नहीं, तो फिर वो आदत से मजबूत कि चिल्लाना चिखना नॉर्मली भी करना चालू कर दे, उनको मालूम है कि सीधा बात करने से मिलता ही नहीं। तो फिर ऐसा क्या करे कि जब बच्चा चिल्लाता है, गुस्सा करेगा और गुस्से से चिल्लाएगा या उल्टा पुल्टा कुछ बोलेगा तो क्या करना? नंबर एक, एक तो क्या करना है कि वहां माँ बाप ने रुकना ही नहीं, चले जाना है, बोलना अभी मुझे कुछ काम है, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं, कि अभी जरा मैं थोड़ा सा और एक काम करके आता हूँ और बाद में बात करेंगे, अभी तुमको जो चाहिए वो मिलेगा नहीं, बाद में देखेंगे। और वो जो चिल्ला रहा चिल्लाने तो जो बोलना हो बोलने तो अपन वहां से निकल जाना है, क्योंकि क्या है कि वो एकदम हाई एनर्जी पे है, उसका देख के आपको भी दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाता है और आपकी भी समझो हाई एनर्जी हो गई और आपने चिल्लाना चीखना चालू कर दिया उसके ऊपर, कि समझता नहीं कि हमका ऐसा मारा ठोका उसको, तो फिर क्या है परिस्थिति और बिगड़ जाएगी। इससे अपन ने वहां से निकल जाने का है, क्योंकि वहां जब कोई सामने वाला इतना चिल्लाता है, इतना गुस्सा करता है, तो अपन ने गुस्सा करने का नहीं है, वहां से निकल जाने का है। और ये बड़े लोगों के साथ में भी ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों के साथ में करना है। फिर वहां से जब आप निकल जाएंगे, उसको मालूम होगा कि ये जो चाहिए अपने को वो मिल नहीं रहा है, वो बाद में मिलेगा, या मम्मी अपने जब फ्री हो जाएंगे या डैडी फ्री हो जाएंगे तब देंगे, अभी नहीं मिलता तो वो चिल्लाएगा, शांत बैठेगा। समझो तोड़फोड़ करता है कुछ, तो उसको सीधी बात करनी पड़ेगी, बोलना ये चलेगा नहीं, ये काम नहीं करता, और इसके ऊपर हमको स्ट्रिक्टली एक्शन लेनी पड़ेंगे, ऐसा तोड़फोड़ करेंगे तो जमेगा नहीं, दिस डजंट वर्क, ये चलता नहीं, उसके ऊपर कड़ी एक्शन लेना पड़ेगी, ऐसा उसको बोलना पड़ेगा, तोड़फोड़ करेगा तो। फिर वहां से निकल जाने के बाद में फिर 5-10 मिनट बाद में, 15 मिनट बाद में वो कमरे में आ जाओ, उसको पास में लो, पीठ पर से हाथ घुमाओ, तब तक वो शांत हुआ रहेगा, आपका भी दिमाग शांत हुआ रहता है, और फिर उससे हम बातचीत कर सकते हैं। दूसरा है कि उसको उस समय भावनिक ऐसा कुछ उसको या शारीरिक पनिशमेंट नहीं करना है, जैसे मैंने अभी बोला कि मारना ठोकना पीटना नहीं है, या उसको कमरे में बंद करना है वो भी नहीं करने का है, या उसको उल्टा पुल्टा बोलने का है वो नहीं करने का है। जैसा कुछ लोग माँ बाप बोलते हैं कि मैं तेरी तंगड़ी तोड़ डालूंगा, तेरे को राक्षस के हवाले कर दूंगा, वो बड़ा ये पुलिस आएगा उनके हवाले में कर दूंगा, ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ बोल देते हैं, या फिर तेरे को पैदा ही क्यों किया, या तेरे को हॉस्टल में डाल देंगे, ऐसा बोलते रहते हैं। तो वो भी हमको देखना है कि वो हम बोलते नहीं है, वहाँ अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। फिर बाद में उल्टी गिनती करना, उसको सिखाओ कि भाई तू ऐसा जब गड़बड़ करेगा, गर्म हो जाएगा, चिल्लाएंगा चीखेंगा, अच्छा नहीं है, रोकना है, उससे बात करो, बोला हाँ रोकना है, तो फिर ऐसा करो जब गुस्सा आएगा ना उल्टी गिनती करो, 20 से 1 तक उल्टी गिनती करो या 30 से 1 तक उल्टी गिनती करो। क्या होता है कि अपना ख्याल जब और किसी के ऊपर चले जाएगा, कोई काम के ऊपर जाता है तो गुस्सा कम हो जाता है, तो उसको उल्टी गिनती करने के लिए सीखा। फिर नेक्स्ट सुबह सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस सिखाओ उसको, सेल्फ हिप्नोसिस और मेडिटेशन जब उसको सिखाते हैं तो उसका मन शांत होने के लिए उसको बहुत ट्रेनिंग मिल जाएगा, कि रोज आप उसको सेल्फ हिप्नोसिस सिखाते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, रिएक्शन नहीं देना है तो कोई होता है, कोई घटना होती है तो वहाँ हम उसका सामना शांति से कैसे करेंगे, उसका विजुअलाइजेशन उसको सिखाते हैं तो उसका दिमाग बहुत शांत रहता जाएगा। तो स्वसंबोधन सिखाने का है, और ये हम उसको सिखाते हैं तो धीरे 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 बच्चों का गुस्सा कम हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी माँ बाप को, डैडी मम्मी को, सबको शेयर करो, ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छा कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।